बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास सेकंड ईयर। इससे पहले हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के खाका तकरीबन मुख्तसर हमने उसमें पढ़ा था। आज हम प्लेन इन को डिटेल से पढ़ेंगे। प्लेन इन मनसूबाबंदी, हम जो भी काम करते हैं उसकी प्लेन इन पहले की जाती है। जब प्लेन इन बेहतरीन हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी आला क्वालिटी का बनेगा। तो प्लेन इन में तमाम जो रिसोर्सेज हैं, टाइम है, कॉस्ट है, उन सबको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, प्लेन इन फेज़ इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सबसे पहला फेज़ कौन सा है? प्लेन इन है। ड्यूरिंग दिस फेज़ द ग्रुप दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन व्हाट द सिस्टम नीड्स टू डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो डेवलपमेंट टीम है वो पहले डिटरमाइन करती हैं, वो पहले ये डिटरमाइन करती हैं कि ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेगा। जिस इदारे के लिए सिस्टम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो इदारे के लिए कौन सा काम करेगा। रिसोर्सेज जितने चाहिए, कॉस्ट जितना खर्चा आएगा, टाइम, बेनिफिट्स एंड अदर आइटम्स शुड बी कंसिडर्ड एट दिस स्टेज। प्लेन इन में ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। 2 लाख खर्चा आता है, 3 महीने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लगेंगे, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो ये सारी चीज़ें प्लेन इन में डिस्कस की जाती हैं। ऑफन द प्लेन फेज ट्राइज टू फाइंड आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं ये तकरीबन प्लेन इन का हिस्सा है, और आंसर प्लेन इन में ये इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने चाहिए। क्वेश्चंस ये हैं, व्हाट डू वी नीड दिस सिस्टम फॉर। ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं इसकी हमें क्या ज़रूरत है, क्यों हम बना रहे हैं, क्या करंट सिस्टम में क्या खामियां है और इसमें कौन सी खूबियां होनी चाहिए। व्हाट द न्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम विल डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और ये कौन सा काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिजल्ट बनाएगा, परसेंटेज निकालेगा, या फॉर एग्जांपल मर्दमशुमारी के लिए ये बना रहे हैं तो मर्दमशुमारी कितने टाइम में ये कैलकुलेट करेगा, कितना काम करेगा। हाउ दिस न्यू सिस्टम विल बी डेवलप, और ये सिस्टम कैसे डेवलप होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिलने चाहिए प्लेन इन फेज़ में। एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लेन इन, प्लेन इन में जो प्लेन इन फेज़ में जो एक्टिविटीज़ जो काम होते हैं, डिफाइन बिजनेस प्रॉब्लम आर अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम मिला है बिजनेस, तो उसको कम्प्लीटली डिफाइन ये काम करना है। डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप एंड कंस्ट्रेंट। प्रोजेक्ट स्कोप से क्या मुराद है, एनालिस्ट और जो कस्टमर है वो बैठते हैं और प्रोजेक्ट स्कोप को डिफाइन करते हैं कि मतलब वो क्या काम करेगा, सॉफ्टवेयर फंक्शंस उसका क्या होगा, परफॉर्मेंस उसकी क्या होगी। तो प्रोजेक्ट स्कोप दरअसल ट्रायंगल है बिटवीन दी थ्री क्वालिटीज़ आर फीचर्स। रिसोर्सेज कौन से इस्तेमाल होंगे, ठीक है, ये डिफाइन किया जाता है। टाइम कितना लगेगा, और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हाई क्वालिटी का चाहिए, या अगर उनको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं चाहिए तो कम लो क्वालिटी का चाहिए। तो ये आपके पास दरअसल स्कोप डिफाइन करता है क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, हाउ मच टाइम इज़ नीडेड एंड व्हाट आर द डिफरेंट रिसोर्सेज नीड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये आपके पास स्कोप है। कंस्ट्रेंट मीन लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है। प्रोड्यूस डिटेल प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड कास्ट। ये जो प्लेन इन है ये पूरा एक शेड्यूल तरतीब देगा, इतने टाइम में और इतने खर्चे में ये सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, और प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स, जो प्रोजेक्ट बनेगा, जो सॉफ्टवेयर बनेगा, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। राइट अ रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, और ये सारी एक्टिविटीज़ जब कंप्लीट हो जाए, ठीक है, प्रॉब्लम को डिफाइन करें, प्रोजेक्ट स्कोप अच्छी क्वालिटी का, रिसोर्स कौन से चाहिए, कितना टाइम, 3 महीने 4 महीने, और प्रोड्यूस डिटेल प्रोजेक्ट शेड्यूल, टाइम और कॉस्ट। तो ये जब सब डिफाइन हो जाए तो ये पूरा रिपोर्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मैनेजमेंट को भेजी जाती है। ठीक है, तो ये था आपके पास प्लेन इन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिबिलिटी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।